हमारे भारत देश में मात्र 2 या 3% ही ऐसे लोग हैं जो अपने सभी शौक को पूरा कर पाते हैं, और ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी सैलरी इतनी है कि वो विदेश का दौरा भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे देश भी हैं जहां आप मात्र 500 से 1000 रुपये में घूमकर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे, तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले नंबर पर है कंबोडिया, जहां भारत का 1 रुपया वहां के 64 रुपयों के बराबर है, क्योंकि इस देश में काफ़ी सारे हिंदू मंदिर हैं, इसीलिए भारत से हर साल हजारों लोग यहां घूमने जाते हैं। नंबर 2 पर है वियतनाम, जहां पर भारत का 1 रुपया वहां के 355 वियतनामी डॉक के बराबर होता है। यहां उपस्थित खूबसूरत नदियों की वजह से ये देश सारी दुनिया में मशहूर है। तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, यहां पर भारत के 1 रुपये की कीमत 207 इंडोनेशियन रुपयों के बराबर है। इस देश की सुंदरता किसी का भी मन मोह सकती है, और इसीलिए यहां हजारों यात्री अपनी थकान मिटाने जाते हैं। ये देश भारतीय लोगों को मुफ्त में वीजा प्रदान करता है। नंबर 4 पर है चिली, यहां पर भारत की करेंसी 10 गुना हो जाती है। ये देश यहां के घने और खूबसूरत जंगलों की वजह से विश्वविख्यात है। यहां पर हर साल हजारों लोग एडवेंचर के लिए आते हैं। और अब आखिर में है हंगरी, जहां भारत का 1 रुपया यहां के 4 रुपयों के बराबर होता है। इस देश की संस्कृति और वास्तुकला दुनिया भर में लोकप्रिय है, जिसका आनंद भोगने हेतु हर व्यक्ति यहां जाना पसंद करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इसी तरह की रोमांचक और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।